राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण चुग रिएक्शन। तो आज मैं इस समय हूं जलंधर कैंट में और यहां से हम जाएंगे जलंधर सिटी, जहां पे हम देवी तालाब मंदिर के दर्शन करेंगे। वहां चल के मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं देवी तालाब मंदिर जलंधर सिटी। तो अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे। वैसे ये मेन मंदिर जो है माता का मंदिर है, पर अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके हम दर्शन करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर की सिक्योरिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी, जो आप भी देख लो, मुझे कुछ खास लगी नहीं है। मंदिर के अंदर घुसते ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो जूता चप्पल घर है, जिसमें हम अपने शूज़ चप्पल अपना जमा करा सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। तो पहले वहीं चलते हैं, अपने जूते चप्पल जमा कराते हैं, फिर उसके बाद मंदिर में अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो चलिए पहले जूते चप्पल जमा कराते हैं। ये जो मंदिर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सोने की परत चढ़ी हुई है मंदिर के ऊपर। ये जो चोटी कह लो, इस पे सोने की परत चढ़ी हुई है मंदिर के ऊपर। तो पहले शूज़ और जूते वूते मीन्स जमा करा लेता हूँ और उससे टोकन प्राप्त ले कर लेता हूँ। और टोकन लेकर फिर हम चलेंगे मेन मंदिर। सबसे पहले हम मेन मंदिर जाएंगे, जो माता का मंदिर है, शेरावाली माता का मंदिर है। और फिर उसके बाद अन्य मंदिरों में चलेंगे, जो कि माता की गुफा भी है यहाँ पर, तो उसके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम चलेंगे माता के मंदिर के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देवी तालाब मंदिर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक तालाब है जिसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। आपको मैं दिखाऊंगा, आप अंदर चल के देखिए। ये रास्ता जा रहा है जो तालाब के बीच में से जा रहा है मंदिर की तरफ, और बीच में मंदिर है और चारों तरफ ये तालाब है। तो ये तालाब है जो कि आप देखो, चारों तरफ तालाब है, बीच में ये रास्ता जा रहा है जो मंदिर की तरफ जाता है। काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है और दृश्य बहुत ही अच्छे। इस समय मैं दिन में आया हूँ, रात में तो बहुत अच्छा बताते हैं, लाइटिंग बहुत ही प्यारी है, अद्भुत लाइटिंग है, तो बहुत मज़ा आता है। दृश्य बहुत ही सुंदर है, अद्भुत मंदिर बना हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर आएँ और दर्शन ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करे बिना ना जाएं। और जो पहली बार देख रहा है मेरा चैनल पे ये वीडियो मेरी, तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो अब हम अंदर चलते हैं, मंदिर पे हम पहुंच गए हैं, अंदर एंट्री करते हैं और दर्शन कराता हूँ। देखो अंदर भी जितनी भी आप देख रहे होंगे, सब सोने का परत चढ़ी हुई है। काफी अद्भुत मंदिर है, काफी सुंदर बना हुआ है। दर्शन कीजिए माता के, ये लक्ष्मी माता का मंदिर है, जो लक्ष्मी माता है सामने। और आगे देखते हैं हम, ये माँ शेरावाली है, माँ शेरावाली के दर्शन कीजिए। अद्भुत, बहुत सुंदर बने हुए हैं और मीन्स एक सुकून मिलता है दर्शन करके, काफी अच्छा लग रहा है। और ये कलाकारियाँ देखिए आप, सोने के उस पर भी जो कलाकारियाँ हुई हुई है काफी अच्छी हैं, जैसे शेर बना हुआ है, फूल पत्ती, काफी अच्छे तरीके से सोने पे भी कारीगरी की हुई है। ये सरस्वती माता का मंदिर है,
दर्शन कीजिए सरस्वती माता के। और ये माता की अखंड ज्योत है जो कि हमेशा जलती रहती है। और दर्शन कीजिए माता के अखंड ज्योत के। और ये साथ में ही चांदी का शिवलिंग है, दर्शन कीजिए आप। और चांदी का शिवलिंग है, साथ में जो त्रिशूल और डमरू है वो भी चांदी का है, दर्शन कीजिए। और चलिए अब आगे चलते हैं। और अब हम दूसरे मंदिर में आए हैं, सिद्ध शक्तिपीठ श्री त्रिपुल मालिनी माँ दरबार। काफ़ी अद्भुत मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर झांकी है अंदर, दर्शन कीजिए। आइए मेरे साथ, चलिए अंदर। तो ये माता काली का मंदिर है जो इस समय बंद था, तो मैं आपको दर्शन तो नहीं करा पाया, मगर बाहर से आप दर्शन कर लीजिए। अंदर मीन्स एक से एक मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी अद्भुत मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए अब एक और मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन करते हैं अंदर चलकर। लोग बाग बाहर तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। राम दरबार है, राम दरबार के दर्शन कीजिए। राम सीता और लक्ष्मण जी हैं, नीचे हनुमान जी हैं, दर्शन कीजिए राम दरबार के। और अब हम आए हैं भगवान परशुराम के दर्शन करने, दर्शन कीजिए आप लोग भी भगवान परशुराम जी के। श्री सालासर बालाजी, जो कि आपको पता होगा, जो ओरिजिनल मंदिर जो है वो राजस्थान में है, जो कि मैं गया हुआ हूँ, मगर ये देवी तालाब मंदिर के अंदर भी श्री सालासर बालाजी का मंदिर है, तो हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। काफ़ी अच्छे मंदिर बने हुए हैं, हर एक एक सेक्शन अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। और अब हम सालासर बालाजी मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे सालासर भगवान के।
सालासर बालाजी के मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुँचे हैं माता वैष्णो देवी जी की गुफा, और बिल्कुल ओरिजिनल गुफा जैसे होती थी वैष्णो देवी की, आपको पता ही होगा कटरा में जो है, और वैसा ही बिल्कुल बना रखा है, काफ़ी अद्भुत गुफा बना रखी है। तो आप दर्शन कीजिए और अंदर देखिए गुफा कैसी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो यार लाइक करे बिना ना जाए। लाइक करोगे तो कम से कम हमें प्रोत्साहन मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। तो और कोई वीडियो नया बंदा देख रहा है मेरे चैनल पे, कोई नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गुफा के अंदर एंट्री करते हैं, देखो कैसी गुफा बनी हुई है। बिल्कुल झुक के अंदर जाना पड़ता है, एकदम काफ़ी ओरिजिनल गुफा जैसी लगती है। और अंदर माता के दर्शन कराएंगे, जैसे वैष्णो देवी में माता की पिंडी है ऐसे ही पिंडी बनी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं माता के। तो दर्शन कीजिए माता की पिंडी के, और एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। तो चलिए अब दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इंस्टा पे पिक्स डाल देता हूँ, किस रिलेटेड वीडियो आएगी कि आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी अपनी दे दी है, आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, और जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको पता चल जाएगा कैसी वीडियो आने वाली है, सब कुछ आपको पहले ही मालूम होगा। तो वैष्णो देवी गुफा के बाहर निकलते ही हमें भैरव मंदिर मिलेगा, जैसे कि आपको वैष्णो देवी में भी देखा ही होगा आपने, वैसे ही मंदिर यहाँ पे भी बना हुआ है भैरव मंदिर। तो दर्शन कीजिए और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं, और अब हम जाएंगे अमरनाथ गुफा। यहाँ पे अमरनाथ की गुफा बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी गुफा बनी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं बाबा अमरनाथ के। और ये रास्ता जा रहा है, देखिए आप बिल्कुल ऐसा बना रखा है जैसे चढ़ाई करते हैं, वैसा ही बिल्कुल सीन क्रिएट कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही बना रखा है। काफ़ी अद्भुत मंदिर लगा मुझे, और दृश्य बहुत ही सुंदर है, मन बहुत ही मीन्स होता ना कि आनंद से भर जाता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आके। और आप भी एक बार ज़रूर आइए अपने जीवन में, एक बार जब भी आप कभी पंजाब आएँ अमृतसर आएँ तो जलंधर ज़रूर आएँ, और जलंधर में देवी तालाब मंदिर में आके दर्शन ज़रूर करें। ये देखिए कैसे ऊपर पहाड़ों पे जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे ही चढ़ाई का बना रखा है, और ऊपर चल के फिर हम अमरनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जैसे कि अमरनाथ में आपको पता ही है बाबा बर्फ़ के रूप में शिवलिंग होता है, ऐसे ही यहाँ पे शिवलिंग बना रखा है। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो ये देखिए बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए, इन्होंने थोड़ा ढक रखा था तो ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बर्फ़ की तो शिवलिंग नहीं है, मगर ये वाइट मार्बल है जिसके शिवलिंग बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और दर्शन कर लीजिए, और ये गुफा है अंदर, वहाँ से होते हुए बाहर निकलते हुए इसमें बहुत अच्छे दृश्य हैं। इसमें भोले बाबा देखो सवार होके, जैसे भोले बाबा का विवाह का दृश्य दिखाया गया है, माता पार्वती ने पूजा करी थी वैसा दृश्य दिखा रखे हैं। बहुत अच्छे पेंटिंग हुई हुई है, ये हैंडमेड पेंटिंग हुई हुई है जो कि काफ़ी सुंदर हैं, मुझे बहुत अद्भुत लगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और लाइक ज़रूर करिए ये वीडियो, और ज़्यादा अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।